Hello everyone, welcome to our virtual space. This is Kunal, a final year MBBS student in IIMS BHU. बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन सोचने के बाद मैं फाइनली ये ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे. मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ. सर सुंदरलाल हॉस्पिटल का यहाँ पे पेशेंट का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने दोपहर में चूज़ करा है और धूप भी काफ़ी है. मैं सोचा था आज थोड़ा बारिश का मौसम था, बट अचानक से धूप आ गया. तो चलो आज देखते हैं, करने आते हैं. सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है कैसा? ये आप लंका गेट से जैसे ही एंटर करते हो तो सबसे पहला यही आपको दिखेगा. सामने में एक सरस्वती माँ का मूर्ति है, उसके बगल में IIMS है जहाँ पे हम लोग क्लास करने जाते हैं, मेन कॉलेज. और ये रहा अपना हॉस्पिटल जहाँ पे हम लोग पोस्टिंग करने आते हैं. तो चलो अंदर चल के देखते हैं ये है कैसा. और लाइक मैं बार बार बीच बीच में रोक दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा है, और लाइक फिर ऐसे ही चलते चलते अगर बोलना पड़ेगा तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं होगा. तो लाइक यहाँ से आप अंदर आते हो तो पास में एक पार्किंग है, ये डॉक्टर्स पार्किंग है. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क करते हैं. और फिर ये सामने में पहले यहाँ पे ऑर्थो का भी डिपार्टमेंट था, बट वो ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट हो गया है. सामने में आयुर्वेदा का OPD वगैरह है ये सामने में. कभी मैं अंदर जाके भी बना दूंगा, बट इस वीडियो में मुझे सारा हॉस्पिटल कवर करना है, इसलिए मैं लाइक जल्दी जल्दी ये स्किप करता रहूँगा. ये रोड जो कि अभी काफ़ी खाली दिख रहा है, जो कि सुबह काफ़ी चलने का भी जगह नहीं होता यहाँ पे, इतना ज़्यादा भीड़ होता है. तो मैं थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करूँगा अगर कुछ इम्पॉर्टेंट आया तो. ये रहा बगल में एक मंदिर, यहाँ पे लोग अपना बाइक वगैरह पार्क कर लेते हैं. और फिर इस साइड में एक मेडिसिन का दुकान है. काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे ना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है. फिर अब यहाँ से अब डिपार्टमेंट वगैरह शुरू हो गया. दिस इज़ पीडिया का डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों का है. यहाँ पे OPD पीडियाट्रिक्स का OPD भी इधर ही है, और इसके आगे जाके पीडियाट्रिक सर्जरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. इस साइड आप देख सकते हो इसे. अभी रिलेटिवली काफ़ी कम भीड़ है. मैं अच्छा किया ये टाइम पे आया ये ब्लॉगिंग करने. पता नहीं है ब्लॉगिंग कैसा होने वाला है, आई रियली डोंट नो. पहली बार मैं लाइक एक ना क्राउडेड प्लेस को कवर करने जा रहा हूँ. लेट्स सी. ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, और इसके जस्ट बगल में उधर में पीडियाट्रिक सर्जरी है. ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इस हॉस्पिटल का. अब यहाँ चलते हैं फिर वापस आके, और फिर आगे जाएंगे. आगे में आई का और ENT का डिपार्टमेंट है, ऑफ्था और ENT का, तो वो देखेंगे. यहाँ पे न्यूरो सर्जरी का OPD है ऊपर में, और नीचे में ये दवा का है. आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कवर ऊपर में रूफ कवर्ड है, वो न्यूरो सर्जरी का OPD है. और न्यूरो सर्जरी का ऑलमोस्ट पूरा जो वार्ड वगैरह है वो ट्रॉमा सेंटर में शिफ्टेड है. फिर कभी और किसी व्लॉग में वो कवर करूँगा ट्रॉमा सेंटर कहाँ पे है. और ये नीचे में मेडिसिन का है. ये आपका रेडियो में CT स्कैन वगैरह का ये है. और वो सामने जो है वो 101 काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ पे लोग अपना पर्चा वगैरह कटाते होते हैं. सो दिस इज़ इट. और सामने में सारा जो यूरिन रिपोर्ट जितना भी होता है, स्टूल रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट वगैरह वगैरह, वो उसके जस्ट 101 के बगल में वो होता है. मैं वहाँ पे ले जाके आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ा सा. चलो उधर चलते हैं. ये रहा 101, जहाँ पे आप हर एक टाइप के रिपोर्ट वगैरह के लिए आप यहाँ पे आते हो, या फिर यहाँ पे पर्चा वगैरह कटाना होता है उसके लिए भी आप यहाँ पे आते हो. और ये 100 नंबर है जहाँ पे आप लोग ब्लड रिपोर्ट वगैरह देते हो, यूरिन रिपोर्ट, स्टूल रिपोर्ट वगैरह, ये सारा चीज़ यहाँ पे देते हो आप. ये एक पास में हेल्प डेस्क है यहाँ पे. लाइक क्योंकि इतना बड़ा है कि पता है ना, बहुत लोग जब नए आते हो तो उनको पता नहीं होता, तो ये जगह है जहाँ पे लोग पूछते होते हैं. अब थोड़ा हम OPD कॉम्प्लेक्स में जा कर के देखते हैं. वाओ, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है, बट कम है. लाइक दोपहर में थोड़ा भीड़ कम हो जाता है, शाम पे बिल्कुल कम हो जाता है. हैव अ लुक, दिस इज इट.
ओपीडी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एकदम भरा पड़ा होता है। ये रहा उस साइड, ऊपर में डर्मा का, फिर इसके जस्ट अपोजिट डायगनली मेडिसिन का है, नीचे में गायनी का ओपीडी है, उधर फिजियोथेरेपी का है नीचे उस कॉर्नर में वहाँ पे। सो दिस इज़ इट। अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं। आप इस ये सर्जरी का, इसके अगर सीधे आप जाके अगर आगे चले जाओगे तो फिर राइट साइड में एक एक्सरे है और रेडियो का, उसके और आगे जाओगे तो फिर वार्ड वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो वो कभी बाद में बनाएंगे। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और अब ऑफ्था और ENT डिपार्टमेंट जो हम रोड साइड जो छोड़ के आए थे, अब उसे फिर वहाँ से जाके फिर कवर करेंगे सारा चीज़ ना। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वापस हम लोग फिर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के सामने आ गए हैं। अब इसके आगे चलते हैं, ऑफ्था डिपार्टमेंट और ENT डिपार्टमेंट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आगे चलते हुए हम लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाएंगे। और फिर वहाँ से ऐसे ही सर्कल करके मैं आपको ये दिखा दूँगा। ये रहा सामने ENT का, और इसके जस्ट पीछे में ऑफ्था का है बिल्डिंग। ऑफ्था का बिल्डिंग तो एकदम अल्टीमेट लेवल का बना हुआ है, एकदम न्यू बना है, काफ़ी एकदम अल्टीमेट लेवल का, वो मैं दिखाऊंगा अंदर चल के आपको। ये रहा ENT का बिल्डिंग, ये ENT का OPD है। और ENT का जो यहाँ इसके सामने में ना लंका जाने के लिए एक छोटा सा गेट बना हुआ है, इससे आप बाहर जा सकते हो। अभी फ़िलहाल हम लोग इसके अंदर चलते हैं, ENT के अंदर चलते हैं। ये ENT है, और इसके जस्ट आगे में ऑफ्था का बिल्डिंग है, विच इज़ जस्ट अमेजिंग यार, जस्ट अमेजिंग। ऑफ्था के बिल्डिंग में चलते हैं, देखते हैं कितना कितना ही मतलब अल्टीमेट लेवल का बना हुआ है। जैसे आप जो डॉक्टर हाउस वगैरह में जो बिल्डिंग देखते हो और वो जितना अमेजिंग लगता है, जस्ट वैसा ही। जस्ट हैव अ लुक, कितना अमेजिंग बिल्डिंग बना हुआ है, जस्ट देख रहे हो आप। और इसका बेस्ट व्यू दिखता होता है सबसे ऊपर में, वो मैं लिफ्ट से जाके फिर आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए टेस्ट चलते हैं थोड़ी देर में ऊपर। उसके बाद वाओ, ग्राउंड फ्लोर पे ही है लिफ्ट, अभी और फिफ्थ फ्लोर पे चलते हैं। तो ये था SS हॉस्पिटल का व्लॉगिंग। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, पता नहीं पहली बार मैं क्राउड में जो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि ना जब आप स्थित लगा करके रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो सारे लोग देखते होते हैं ये कर क्या रहा बंदा, इसको कोई दूसरा काम नहीं मिला, मतलब इस टाइप का लुक देते होते हैं। तो हम लोग फिफ्थ फ्लोर पर आ गए हैं, लेट्स गो आउट एंड सी। यहाँ पर तो अभी खाली खाली होगा। यस, मेरा एक ये फेवरेट सा जगह है जहाँ पे ना काफ़ी मस्त सा व्यू होता है नीचे का, पता नहीं ये खुला होगा या नहीं खुला होगा, लेट्स सी, खुला होना चाहिए जस्ट होप ना। देखो यहाँ से कितना बाहर का कितना मस्त व्यू आता है ना, तो मैं ये व्यू देने के लिए आपको यहाँ पे लाया था। अगर नहीं होगा तो मैं फोर्थ फ्लोर ट्राई करूँगा। चलो नहीं, ओ शिट, फोर्थ फ्लोर ट्राई करते हैं तब तक के लिए ना। अगर फोर्थ फ्लोर नहीं तो हम यहीं से देख लेते हैं ना थ्रू विंडो कैसा है ये। लेट्स सी, यही दिखाना चाह रहा था। वो जो सामने नीचे दिख रहा है जहाँ पे ट्रक लगा हुआ है, दैट वाज 101, जहाँ पे लोग पर्चा वगैरह कटाते हैं। और वो जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, दैट इज़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसका तो अल्टीमेट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कभी अंदर जाके उसका वीडियो शूट करेंगे। एंड दिस इज़ बीच में एक रोड है, और उसके उस साइड बहुत सारे पैथ लैब्स वगैरह हैं। जस्ट हैव अ लुक। और वो जो सामने में एक और जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, दैट इज़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, MCH बिल्डिंग है वो वाला, और वो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है। चलो अब नीचे चल के देखते हैं और सारे बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। होप आपको ये व्लॉगिंग थोड़ा बेटर लग रहा होगा। इनफैक्ट मैं भी, पता नहीं, मुझे भी
जब मैं ये रिकॉर्ड करने के बाद देखूंगा तो मुझे कैसा लगेगा आई डोंट नो, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक ना टूर दे दूँ SS हॉस्पिटल का, और फिर उसके बाद देखते हैं। काफ़ी पसीने पसीने हो गया मैं लाइक ना घूमते घूमते पूरा स्वेटिंग हो गया। लेट्स सी कुछ इसी का असर हुआ है। सो दिस इज इट, लाइक हमारा ये SS हॉस्पिटल, यहाँ पे हम लोग बेसिकली पोस्टिंग करने आते हैं जो कि 9 से 12 होता है। उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल क्लास वगैरह होती हैं, 12 से 1 लंच है, 1 से 2 लंच होता है, और फिर उसके बाद फिर और क्लासेस होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 9 से 12 आते हैं और फिर इवनिंग पोस्टिंग के लिए आते होते हैं SS हॉस्पिटल में। हम लोग जनरली वार्ड में आते हैं, वार्ड का तो अभी मैं दिखाया नहीं हूँ, बस बताया था कि कहाँ से वार्ड दे सकते हैं। चलो यहाँ पे आ गया, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। मैं ये वाले इन एंड आउट गेट के बहुत नज़दीक आ गया हूँ, अब यहाँ से मैं इधर चलता हूँ। ऑलरेडी हम लोग जो इस साइड से आ रहे थे ये कवर हो चुका है, अब यहाँ से अंदर अब चल के देखते हैं क्या क्या है। तो कुछ देर तक तो सिर्फ रोड ही रोड है, तो उतना ज़्यादा रिकॉर्ड करने का कोई इशू है नहीं ब्लॉग करने का। तो लाइक फिर मैं जब कोई इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग आएगा तो फिर से मैं ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। आप देख सकते हो लाइक यहाँ पर इतना भीड़ है, लाइक बहुत लोग यहीं पर अपना बसेड़ा लगा के बैठे होते हैं जब इनका डेट आता है, या फिर जब इनका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू होता है, या फिर रिपोर्ट वगैरह आने वाला होता है, तो बहुत लोग तो यहीं पे अपना वेट करते होते हैं। कुछ बीच बीच में कुछ कैंटीन्स वगैरह हैं खाने पीने के लिए। लाइक ये देख के थोड़ा सा लगता होता है कि और भी स्कोप है फॉर डेवलपमेंट एंड ऑल ना, कि इतने सारे पेशेंट फ्लो हैं, लाइक इतना सारा पेशेंट इतने दूर दूर से आते हैं पैन इंडिया से, तो लाइक इनके एकोमोडेशन वगैरह के लिए जो भी हो। तो ये फूड कोर्ट एक और है यहाँ पे, ओके ओके टाइप का खाना मिल जाता है जिससे कि आपका भूख चला जाए, दैट इज़ बस उतना ही काम के लिए। ये कुछ यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह हैं, एक सामने में भी है, और उसके बाद एक मेडिसिन का दुकान है। यहाँ पे मेडिसिन के दुकान में मुझे एक चीज़ वियर्ड लगता है, लाइक आपको ना कैश देना होता है, तो जिनके पास कैश नहीं होता, पूरा डिजिटल होता जा रहा है सारा चीज़, तो जिनके पास कैश नहीं होता फिर उनको भाग के कहीं जाना पड़ता है कैश के लिए, बट ठीक है सबका अपना अपना रूल है। और ये है यहाँ पे इमरजेंसी का, पहले यहाँ पे इमरजेंसी था, फिर ये एक छोटा सा एंट्री पॉइंट है जहाँ से आप, ये पूरा जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये वार्ड का है, यहाँ से एंट्री होती है। और अंदर तो मैं अभी नहीं जाऊँगा वरना फिर एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर मैं अब इधर ही से बाहर चलता हूँ। ये पूरे साइड में आप देखोगे ना पार्किंग लगा ही होता है, सारी जगह पर बाइक लगे होते हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। एंड थैंकफुली मैं दोपहर में शूट कर रहा हूँ, तो दोपहर में थोड़ा भीड़ ना कम होती है, तो आप आसानी से आ जा सकते हो। ये अभी एक डेवलपमेंट चल रहा है, आई मीन BHU में भी इतना डेवलपमेंट चल रहा है ना, इतना ज़्यादा कि लाइक आने वाले कुछ सालों में इट विल बी जस्ट अमेजिंग टू सी कितना मज़ेदार। लाइक इस साइड आप देख सकते हो ये बिल्डिंग बन रहा है अभी, तो फिर मैं अभी थोड़ा पॉज कर देता हूँ, वीडियो को फिर से स्टार्ट करूँगा जब आगे मैं ना वो वैक्सीनेशन सेंटर साइड जब जाऊँगा तो फिर से स्टार्ट करूँगा। अगर आप यहाँ से देखोगे, देखो ये पूरा जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये वार्ड का है, और यहाँ से एक छोटा सा बैक एंट्री है, वो सामने में जो एक क्लोज्ड डोर लगा हुआ है, ये यहाँ पे कुछ दिनों तक वैक्सीनेशन सेंटर था, और आगे में जाके एक टेलीमेडिसिन है, वहाँ पे मैं चलूँगा आपको लेकर के। और फिर अगर आप इधर आते हो ये देखो, ये रहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, काफ़ी अमेजिंग है, इसको मैं बस ऐसे घुमा के आपको दिखाऊँगा। चलो फिर यहाँ पर एक BOB का सेंटर है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनका अकाउंट यहीं पे खुला होता है। और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, रीजनल रिसोर्स सेंटर। यहाँ पे टेलीमेडिसिन का, ये देखो अंदर वहाँ पे लिखा होगा टेलीमेडिसिन। एक्चुअली जब कोरोना के टाइम पे ये बहुत ही एक्टिव था टेलीमेडिसिन, फिर
आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सामने में एक MCH का बिल्डिंग है, ये काफ़ी अमेजिंग बिल्डिंग है। लाइक यहाँ पे ये देखो, ये चाइल्ड और मदर दोनों का इंटीग्रेटेड यू नो केयर यहाँ पे मिलता है, जिससे कि ना लॉजिस्टिक्स वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती हैं। लाइक पीडियाट्रिक्स का जो डिपार्टमेंट है, नियोनेट का डिपार्टमेंट है, और उसके बाद जो गायनी का डिपार्टमेंट है, सारे यहीं पे इंटीग्रेटेड हैं। तो ये भी लाइक एक मास्टर क्लास बिल्डिंग, लाइक जितने भी बिल्डिंग अभी जो नए बन रहे हैं ना, एकदम अल्टीमेट लेवल के बन रहे हैं। और ये रहा नीचे में गायनी का OPD चलता होता है, बहुत लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, बाहर में बैठे होते हैं। मैं बस नीचे बस आपको दिखा करके फिर वापस आ जाऊँगा। गायनी का ये OPD है। ये रहा गायनी का OPD। अभी मैं MCH के बिल्डिंग में हूँ और लाइक मैं 3rd फ्लोर पे जा रहा हूँ। वहाँ से एक मुझे ना पर्सनली काफ़ी वो मस्त सा व्यू लगता है कॉलेज का, तो वहाँ से मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं सुपर स्पेशलिटी वाले बिल्डिंग साइड जाऊँगा और उसके बाद ये ब्लॉगिंग क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो गया हुआ है।